हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु महेश्वर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सो आज अभी हम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज व्हाट अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। ओके, तो बच्चों ये काफी प्रैक्टिकल टॉपिक है, आप घर पर भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। आप सिंपल अगर देखो घर पर, मतलब कि एक्चुअली लिफ्ट होनी चाहिए, एलिवेटर होना चाहिए, आप है ना एक वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, आप पहले तो वेट मशीन ले लो अपने साथ, उसको लिफ्ट में आप पहले अपना वेट मेजर करो। जब लिफ्ट स्टेडी कंडीशन में है तब आप अपना वेट मेजर करो। अब आप अपना वेट मेजर करोगे तो वो कैसे वर्क करता है, सिंपली मुझे बताओ। मान लो कि ये वेइंग मशीन है। क्या है बच्चों? वेइंग मशीन है जो आपका वेट मेजर करने वाला है। ओके, तो वेइंग मशीन वर्क कैसे करता है, तो सिंपली पहले ये आप समझ लो। चलो ओके, वेइंग मशीन कैसे वर्क करता है कि जब भी आप उस पर खड़े रहते हो, मान लो कि आपका मास m है, तो आपका मास mg नीचे की साइड लगता है और वो मेजर क्या करता है, तो जो वेइंग मशीन आप पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, डेफिनेटली बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ देखा हुआ है, अगर आप वेइंग मशीन पर mg फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हो तो वेट आपके ऊपर क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में वो जो फोर्स लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो वेइंग मशीन कौन सी चीज मेजर करता है, ये नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है कि उसने आप पर कितना फोर्स लगाया, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मेजर करके देता है। तो अगर आप सिंपली घर पर मेजर करोगे, आपका मास मान लो 60 केजी है, तो नीचे की साइड कितना फोर्स लगा, 60 जी, तो उसका रिएक्शन कितना अपवर्ड आएगा, तो 60 इंटू जी मान लो 10 है, तो 600 न्यूटन आया आपका वेट, न्यूटन बोल रहा हूं मास नहीं बोल रहा हूं, तो अपवर्ड साइड भी कितना आएगा बच्चों, इट्स 10, हाउ मच, इट्स 600 न्यूटन। सो ये सिंपल वर्किंग है वेइंग मशीन कैसे वेट मेजर करता है, मास, अभी तो मास मेजर करता है। ओके बच्चों, तो अब यही कॉन्सेप्ट अगर हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में ऑब्जर्व करें, तो मतलब कि लिफ्ट जब मूव हो रही हो कुछ एक्सेलरेशन के साथ, तो क्या वेट सेम रहता है या नहीं रहता है, नहीं रहता है तो कितना होता है, वही हमें आज डिस्कस करना है। सो बने रहिए अभी इस टॉपिक के लिए। So let us start. ये weighing machine का simple सा working आपको मालूम होना चाहिए, इसको out journey, okay? कि वो आपको reaction measure करके देता है, normal reaction, okay? तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों weighing machine के बाद lift की, कि मान लो first के सब अभी हम दिख रहे हैं, देख रहे हैं कि when lift moves upward, okay? With acceleration a, अगर लिफ्ट है वो a acceleration से मूव कर रही है अपवर्ड, तो मान लेते हैं कि ये लिफ्ट है, मान लो अभी यहां पर आप हो, आप वेइंग मशीन पर खड़े हो, लेकिन बच्चों सिंपल सी बात है कि आप अगर यहां पर खड़े हो तो आपका mg नीचे लगेगा, आपका नॉर्मल रिएक्शन हम बोल देंगे अपवर्ड लगा, लेकिन अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड साइड है। ओके, तो सिंपली बच्चों आप मुझे बताओ कि आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, बाइक लेकर जा रहे हो, या बस में ट्रैवल कर रहे हो, जब भी बस एक्सेलरेट होती है आप कौन सी साइड जाते हो, जब भी बस वाला बस को एक्सेलरेट करेगा आप पीछे की साइड जाओगे। ओके, So, पीछे की साइड जा रहे हो उस वक्त आप पर कौन सा फोर्स लगता है, स्यूडो फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है बच्चों? स्यूडो फोर्स, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है, भूतिया फोर्स, भूत जैसा फोर्स, स्यूडो फोर्स, नकली फोर्स, ओके, झूठा फोर्स लग रहा है। ओके ओके, तो स्यूडो फोर्स का मतलब क्या है कि बस आगे एक्सेलरेटर आप अगर कर रही है तो आप पर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ड्यू टू इनर्सिया। तो सिमिलरली अगर ये लिफ्ट अपवर्ड जा रही है बच्चों, अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगी तो आप पर आपके मास के अकॉर्डिंगली फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगना चाहिए, तो आपके मास के अकॉर्डिंगली फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए। तो बच्चों आपका जो वेइंग मशीन है वो फाइनली क्या मेजर करके देता है, आर मेजर करके देता है। तो अब ये एम ए हो इसी पर नीचे की साइड लग रहा होगा, मैं साइड में बाजू में दिखा रहा हूं। ओके, तो अब आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ बच्चों? तो नॉर्मल रिएक्शन दैट इज नथिंग बट एम जी
ये भी डाउनवर्ड लग रहा है तो मैंने बोल दिया प्लस एम है, मतलब अपवर्ड फोर्स टोटल कितना, दैट इज नथिंग बट टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड में तो सिर्फ आर लग रहा है, डाउनवर्ड में ये दोनों लग रहे हैं। सो सिंपली बच्चों हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन आर दैट इज एम जी प्लस एम ए। सो अगर हम यहाँ पर एम कॉमन निकाल दें देन इट इज जी प्लस ए। सो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। ओके बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन आपको मिल गया, वही आपका एपेरेंट वेट है। एपेरेंट वेट इट्स नथिंग बट योर नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि अब आपका जो एक्चुअली वेट होने वाला था, मान लो कि 60 kg मास है तो 600 डाउनवर्ड होने वाला था, लेकिन लिफ्ट का एक्सेलरेशन पूछे तो उसके अकॉर्डिंगली ये mg नहीं, mg प्लस ma हो गया, क्योंकि मैंने इससे पहले लिफ्ट का डिस्कस किया ना, सॉरी लिफ्ट का नहीं, वेइंग मशीन का, कि mg आपका डाउनवर्ड लग रहा है तो वो मेजर कितना करके देगा, r, दैट इज व्हाट mg। लेकिन अगर ये एक्सेलरेट कर रही है तो ये प्लस समथिंग कुछ मेजर करके दे रहा है। तो अगर आपका वेट 600 न्यूटन था तो अब ये डेफिनेटली उससे थोड़ा ज्यादा होगा। ओके, सो इट इज द फर्स्ट केस कि जब भी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही हो तब आपका नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाता है। आर इज स्टैंड फॉर रिएक्शन। ओके, उसी को हम एपिरेंट वेट बोलते हैं, वो चेंज हो जाता है। अगर आपको अभी भी मेरी बात मानने में नहीं आ रही है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जब भी आप अपार्टमेंट में रहते हो वेइंग मशीन साथ में ले जाओ, उस पर खड़े हो जाओ, जब भी लिफ्ट अपवर्ड ए एक्सेलरेशन से जाएगी तो आपका मास कुछ अलग दिखेगा जो पहले रीडिंग दिखा रहा है उससे। ओके, मास एक्चुअली वेट अलग दिखाएगा वेइंग मशीन के अकॉर्डिंगली। ओके, सो बी केयरफुल। नाउ ये था पहला केस बच्चों कि जब भी लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है। दूसरा केस इसी में देखे, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड। ओके बच्चों, लिफ्ट अगर डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन, अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए से जा रही है, अब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है, तब एपिरेंट वेट में क्या होगा। सो लेट अस सी, ये हमारी लिफ्ट है, यहां पर ये आप हो और लिफ्ट अभी डाउनवर्ड जा रही है, तो एक चीज तो फिक्स थी, सबसे पहले एम जी नीचे लगता है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगता है, लेकिन लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड गई। बस कार में बैठे ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक का फोर्स पीछे की साइड लगता है और हम कहां पर जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं। ओके, अचानक से ब्रेक लगती है, हम ऐसे हो जाते हैं। ओके, डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो सिमिलरली अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रही तो उसका झूठा फोर्स, सीडो फोर्स, आपका मास अगर एम है तो वो कौन सी साइड लगेगा, अपवर्ड लगेगा। अगेन आपके बॉडी से नेट अपवर्ड फोर्स कितना है, इट्स आर प्लस एम है, तो वही क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी हो जाएगा। मतलब कि मैं बोल सकता हूं बच्चों आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम है, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं बच्चों कि ये जी माइनस ए हो जाएगा। सो इट्स योर नॉर्मल रिएक्शन। पहले एम जी लग रहा था और आपका वेट अब उससे थोड़ा कम हो जाएगा, मान लो ये 600 या 100 है तो ये 500 हो गया ना, मतलब कम हो गया अपेरेंट वेट। इट्स योर अपेरेंट वेट, इट्स अगेन व्हाट, इट्स योर अपेरेंट वेट नॉट एक्चुअल वेट। ओके, जब भी आप जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर हो वो एक्सेलरेट हो रहा है तब जो उस पर वेट लगेगा, जो दिखाई देता है, कौन सा महसूस हो रहा है, वो है अपेरेंट वेट। ओके, सो ये था लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तब क्या होगा। मान लो बच्चों कि व्हेन लिफ्ट मूव्स विथ कॉन्स्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, कॉन्स्टेंट बोलो या यूनिफॉर्म बोलो मतलब सेम ही रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली मैं आपको समझाऊं, ये लिफ्ट है, ये बंदा है। ओके, लिफ्ट अगर यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये चीज तो फिक्स रहेगी एम जी और आर। अगर बस यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, आप आराम से बैठे हो, सो रहे हो, कार जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, आप उसके अंदर बैठे हो, अब वो कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो ना ही आप आगे की साइड जाते हो ना ही आप पीछे की साइड जाते हो, मतलब आप पर कोई फोर्स लग रहा है, कोई स्पीडो फोर्स जैसा फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है मतलब एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं। सो इन दैट केस वी कैन राइट आर इज इक्वल टू एम जी। ओके, जो आपका एक्चुअल वेट होगा
वही अपेरेंट वेट होगा. सो उस केस में हम लिख सकते हैं अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट. एक्चुअल वेट कितना होता है? ऑलवेज mg जितना. ओके, सो अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट सेम हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है तो सीडो फोर्स की बात ही नहीं होगी, तो दूसरा कोई फोर्स ही नहीं होगा इन दोनों के अलावा. ओके, ये था थर्ड केस. अब फोर्थ केस देखें बच्चों. तो फोर्थ केस क्या है? व्हेन केबल वायर ऑफ लिफ्ट, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर केबल वायर लिफ्ट का ब्रेक हो गया, अगर लिफ्ट का केबल वायर ब्रेक हो गया, सिंपली क्या होगा? तो लिफ्ट है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जैसा बिहेव करेगी, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? सिंपली आप मुझे बताओ कि अगर लिफ्ट का केबल वायर ब्रेक हो गया तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी जितना होगा. कट कर दो आप वायर को, फिर देखो तो क्या होगा? आराम से नीचे आ जाएगा. मतलब बच्चों हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर लिफ्ट का केबल वायर ब्रेक होता है तो ये mg तो नीचे लग रहा है, ये r अपवर्ड लग रहा है. अगर इसका केबल वायर ब्रेक हो गया तो लिफ्ट डाउनवर्ड आएगी a एक्सेलरेशन से, लेकिन वो होगा कितना? जी जितना. अब तो हमें मालूम है कि केबल वायर ब्रेक हो गया तो लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी. मतलब कि उसका शीडो फोर्स अगर हम देखें तो मास इंटू एक्सेलरेशन ma, लेकिन वो कितना लगने वाला है? एक्सेलरेशन तो जी जितना है, तो mg अपवर्ड लगेगा. तो सिंपली बच्चों हम बोल सकते हैं नेट अपवर्ड फोर्स दैट इज r प्लस mg इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स दैट इज mg. सो वी कैन राइट r इज इक्वल टू जीरो. सो उस वक्त हमारा रिएक्शन कितना होगा? जीरो. मतलब आपका वेट कुछ होगा ही नहीं ऐसा आपको लगेगा, भले एक्चुअल वेट कुछ भी हो, लेकिन आपका अपेरेंट वेट जीरो होगा. क्या होगा बच्चों? जीरो होगा. अगर आपका अपेरेंट वेट जीरो है तो उस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन. ओके, वेटलेसनेस कंडीशन कि आपका वेट कुछ है ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ हो ही नहीं, आपके अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा लगेगा आप फेल से फॉल हो रहे हो. अपेरेंट वेट की बात कर रहा हूं. ओके, सो ये था अनदर केस. ये आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया ही होगा, स्पेशली बच्चों इमेजिका की बात करें तो वहां पर काफी ऐसी सारी राइड्स है इन फ्यूचर आप जाओ तो, कि कुछ हाइट से वो फ्री फॉल वाला एक कॉन्सेप्ट है, अचानक से छोड़कर नीचे भेज देता, तो उस दौरान 5 सेकंड 10 सेकंड दौरान, लाइक यहाँ पर लिफ्ट है उस आपको बिठा दिया एलिवेटर में, यहां से अचानक से छोड़ देता है. तो जब भी वो छोड़ता है तो आपको डेफिनेटली फील होगा कि वेटलेसनेस कंडीशन. आपको ऐसा लगेगा आपको कोई रिएक्शन ही नहीं है, कुछ फोर्स ही नहीं है. ओके, फ्रीली फॉलिंग बॉडी जैसा बिहेव करोगे आप. ओके, तो उस दौरान आपको ये कंडीशन महसूस होने वाली है अगर गए हो तो. ओके बच्चों, तो ये था अनदर केस. तो बच्चों इसमें मेजरली ये केस है, चार केस कि एलिवेटर वाले प्रॉब्लम यहाँ से सोल्व हो जाएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शीडो फोर्स आइडेंटिफाई करना. और शीडो फोर्स ऑलवेज कहाँ लगता है? तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उससे अपोजिट लगता है. फिर दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि अपवर्ड कितने फोर्स लग रहे हैं और डाउनवर्ड टोटल कितने लग रहे हैं, दोनों को इक्वल कर दो. ओके, क्योंकि फाइनली एडजेन हम क्या देखते थे, सिर्फ और आर और एमजी का बात था तो आर इज इक्वल टू एमजी बोल दिया. अब अगर कुछ और है उसके साथ तो वो एड करना पड़ेगा. तो ये था कॉन्सेप्ट बच्चों लिफ्ट और एलिवेटर वाला जो भी हमने डिस्कस किया. अब इसी के रिगार्डिंगली बच्चों अब न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो न्यूमेरिकल सो दैट इज एग्जाम्पल नंबर 17. सबसे पहले ये देखें
SLRMI, example number 17 है, an elevator weighs 4000 kg. When the upward tension in the supporting cable, that is 48,000 newton, what is the upward acceleration starting from rest? How far does it rise in three steps? तो आपको क्या बोला है बच्चों इस क्वेश्चन में? कोई एलिवेटर है जिसका वेट 4000 केजी है, मतलब मास दिया हुआ है 4000 केजी. अगर हम पूरे एलिवेटर का मास m कंसीडर करें तो वे मतलब m इंटू जी कहां पर लगेगा? डाउनवर्ड. अब एलिवेटर में ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में सपोर्टिंग केबल होता है ऐसा, ओके, ऐसे काफी सारे केबल्स होते हैं. सो अपवर्ड टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, जब ये लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तब अपवर्ड टेंशन t ये दिया हुआ है. t इज हाउ मच? इट्स 48,000 न्यूटन. सो when the upward tension in the supporting cable is 48,000 newton, what is the upward acceleration? So upward acceleration find करना है. So simply हम जानते हैं इतनी चीज कि ये tension बोला है, वही reaction बोलो, tension बोलो, सब चचेरे पुएरे है, मतलब भाई है एक दूसरे के, okay? Reaction नहीं बोला है, tension बोला है. कोई भी string होती है उसको नीचे की side खींचोगे तो tension कौन सी side लगता है? Upward side. तो similarly lift में mg नीचे की side लगेगा तो उसका tension कहाँ पर लगेगा? Upward. So it's nothing but your reaction apparent weight. It's your reaction or apparent weight. तो अब आपको बोला है कि जब इसका टेंशन इतना बनता है तब उसका अपवर्ड एक्सेलरेशन. तो बच्चों सिंपली आप हर बार ये कॉन्सेप्ट भी लगाओ, अपवर्ड एक्सेलरेशन फाइन करना है. सो मुझे सिर्फ इतना बता दो बच्चों कि अगर ये अपवर्ड साइड जा रही है तो उसका सीधो फोर्स कहाँ लगने वाला है? डाउनवर्ड लगेगा. हाँ बोलो, वहां से भी बोलो, घर पर बैठे बैठे भी ऐसे ऐसे कर सकते हो, मुंडी हिला सकते हो, ओके. सो ये डाउनवर्ड लगेगा, मतलब कि अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो ये टेंशन टी मतलब इट्स ऑल्सो अ फोर्स रिएक्शन. फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम, टेंशन, फोर्स, एक्शन, रिएक्शन, ये उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है बच्चों. सो हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो टी इज इक्वल टू व्हाट? तो के एम जी प्लस एम ए, सॉरी ये एम ए है. यस यस यस, आप सही हो. एक्सेलरेशन यहाँ पर अपवर्ड है तो सीडो फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड. That is mg. So net upward force that is T. Net downward that is mg or m. So ma that is what? T minus mg. So what is the value of T? It's 48,000 newton. Minus mass of cable. ये दिया हुआ है लेकिन मैंने mention नहीं किया. कितना है? 4000 kg. Mass m 4000 kg. तो ये जी की वैल्यू अगर नहीं दी है तो हम डेफिनेटली कितनी लेंगे? 9.8. बोला है तो देख लेते हैं, दी है नहीं बोला है उन्होंने, कोई बात नहीं. तो ये 9.8 मल्टीप्लाई बाई ये करें फिर एक्सेलरेशन फाइंड करें. सो ये कितना मिल रहा है? तो लेट अस सी. पहले तो ये मिला 8800 न्यूटन एम ए. सो एक्सेलरेशन यहां से मिल जाएगा 8800 डिवाइड बाई 4000. सो इट्स हाउ मच? 22 मतलब 2.2 मीटर पर सेकंड. इट्स अवर आंसर कि ये लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से जा रही होगी? 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से. और एक चीज पूछिए बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हाउ फार डज इट राइज इन 3 सेकंड? अगर ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही है मतलब हमें यू दिया हुआ है 0, टी दिया हुआ है 3 सेकंड, हाउ फार इट राइज मतलब एस फाइन करना है. और अब हमें मालूम पड़ गया इसका एक्सेलरेशन है 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके. तो हमारे पास फॉर्मूला टी एस यू और ए के फॉर्म में एक ही है, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? इट्स 0. तो इसको भूल ही जाओ, टी को कुछ भी हो, 2.2 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर. सो 1.19 दैट इज 9.9 मीटर. तो ये 3 सेकंड में 9.9 मीटर दूरी तय करेगी. इट्स आवर आंसर. तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है कि इतनी मीटर दूरी तय करेगी. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18 ऑफ एसएल अरोरा. ओके बच्चों, सो 18 क्या कहता है? लेट अस सी कि अ लिफ्ट ऑफ मास 2000 केजी इज सपोर्टेड बाय 6 स्टील रॉप्स. लिफ्ट, अगर आप अपार्टमेंट में रहते तो लिफ्ट को ऑलवेज ऑब्जर्व करना, जहां से जा रही है उसके ऊपर आपको सपोर्टिंग केबल्स दिखेंगे, रॉप्स दिखेंगे, ओके, स्टील. सो थिक स्टील रॉप्स. लिफ्ट का मास आपको दिया हुआ है, सबसे पहले ये लिख ले, इट्स 2000 केजी. इफ मैक्सिमम अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इट इज ऑल्सो गिवन. मान लो ये लिफ्ट है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए इट्स हाउ मच?
1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका टेंशन mg प्लस ma के अकॉर्डिंगली टेंशन बढ़ेगा, लेकिन हर एक चीज की कुछ लिमिट्स होती है बच्चों। मान लो कि ये a बढ़ रहा, a बढ़ाऊंगा तो टेंशन अभी 48,000 है, हो गया 50,000, उसके बाद a और बढ़ाया हो गया 60,000, लेकिन इस वायर की भी लिमिट्स होती है ना कि उस पर टेंशन एक हद के बाद लग गया तो वो ब्रेक हो जाता है। ओके, सो सिमिलरली यहां पर इसीलिए बोला है मैक्सिमम अपवर्ड एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब कि अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो ये वायर ब्रेक हो जाएगा। सो लेट अस सी, इफ मैक्सिमम अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट बी 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द रॉक, ये एक नई चीज आपको लगेगी, ब्रेकिंग स्ट्रेस दैट इज 2.8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो जैसे प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है वैसे स्ट्रेस भी फोर्स बाय एरिया ही होगा। ओके, लेकिन अभी फोर्स मतलब टेंशन टी लग रहा है तो टेंशन टी बाय एरिया रहेगा और कुछ नहीं है। स्ट्रेस मतलब कि अभी अगर हम बोले तो टेंशन लग रहा है तो टेंशन बाय एरिया, स्ट्रेस का सिंपल सा मतलब होता है फोर्स बाय एरिया। ओके, बाकी डिटेल में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। अभी इतना याद रख लो, स्ट्रेस दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, प्रेशर जैसा अभी है अभी के लिए कंसिडर कर सकते हो। नाउ सो ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द रोप बी, मतलब अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस लगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, इतना फोर्स पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा लगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी द मिनिमम डायामीटर ऑफ द रोप, बच्चों आपको डायामीटर फाइंड करना है तो सबसे पहले डायामीटर फाइंड करना है तो एक और चीज मालूम होनी चाहिए, स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने बोला फोर्स बाय ए टेंशन बाय एरिया, क्योंकि इसमें लिफ्ट में ये टेंशन टी अपवर्ड लग रहा है केबल वायर में, mg डाउनवर्ड है, लेकिन लिफ्ट कौन सी साइड जा रही है, अपवर्ड एक्सेलरेशन ए है, सो अगेन इसका ma डाउनवर्ड लगेगा। तो सबसे पहले उसका टेंशन फाइंड कर लेते हैं, मैक्सिमम टेंशन कितना होगा टी दैट इज व्हाट, तो के mg प्लस ma, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना टेंशन लगेगा वो हम फाइंड कर ले। सो m 2000 × g प्लस a, तो g दैट इज 9.8 प्लस a दैट इज 1.2, देखो मैंने m कॉमन निकाल दिया, सो इट्स हाउ मच 11 × 22,000 न्यूटन, इतना टेंशन लगेगा बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। अब स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, लेकिन अभी इस हालात में हम लिखेंगे टेंशन बाय एरिया, क्योंकि वही अपवर्ड फोर्स टेंशन है, स्टील वायर है उसमें अपवर्ड फोर्स लग रहा है वही क्या है टेंशन है। मैंने बोला ना कि ये मस्या है कुआ फफेरे चचेरे ऐसे भाई है, टेंशन फोर्स एक्शन रिएक्शन। सो बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला तो देखो स्टील वायर होता है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा टाइप का दिखता है। सपोज आप कोई वायर्स को देख रहे हो बच्चों, मान लो कि मैं भी वायर आपको दिखा रहा हूं कि आपने सपोज ये सोलेनोइड वायर है उसको आपने ऑब्जर्व किया, सिंपल बच्चों मैं आपको पूछ रहा हूं ये वायर है आपने इसको ऑब्जर्व किया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वायर भले जैसा भी शेप दिख रहा हो सिलेंडर दिख रहा हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वो काटा हुआ सेक्शन आप देखोगे, इसको काटोगे परपेंडिकुलरली ऑब्जर्व करोगे तो सर्कुलर दिखेगा। तो सर्कुलर वायर के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको डायामीटर फाइंड करना है, भले फाइंड करना हो अभी सबसे पहले आर को सब्जेक्ट बना लो, तो आर स्क्वायर दैट इज टी बाय पाई सिग्मा। सो फाइनली आर स्क्वायर दैट इज टेंशन 22,000 बाय पाई दैट इज 22/7 और स्ट्रेस 2.8 × 10⁸। तो बच्चों 22 गया 1000 बचा और ऊपर 7 × 1000 मतलब 10�³, हियर इट इज 28 × 10⁷। यू कैन सी मैंने क्या किया, एक डेसिमल पॉइंट हटा दिया, सो 7 × 4 = 2, सो इट्स 1/4 × 3 − 7 × 10⁻¹. इट्स योर आर स्क्वायर बट वी वॉन्ट टू फाइंड आर, सो आर इज इक्वल टू 10⁻²/2 मीटर। अभी ये रेडियस है, हमें तो डायमीटर चाहिए, सो वी नो वेरी वेल डायमीटर डी इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ओके, सो ट्वाइस ऑफ रेडियस करो बच्चों, सो इट्स फाइनली 10⁻²⁻² मीटर, इट्स योर आंसर। ओके, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर, इट्स योर आंसर। सो आपको एट द एंड स्टेटमेंट लिख देना है कि डायमीटर ऑफ द वायर दैट इज हाउ मच 1 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो बुक पर मत जाना कि इन्होंने कैसे किया है, आप कैसे कर रहे हो ना वो देखो,
आपको कौन से मालूम होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज व्हाट, पायस पर, तो वहां से जाओ। ओके बच्चों, तो देखो अभी भी आप स्ट्रेस में रुके हो तो चिंता मत करो। स्ट्रेस क्या होता है, कोई भी चीज को आप खींच रहे हो, वायर को खींचो तो उसमें फोर्स लगा रहे हो तो उसका रिएक्शन लगेगा, तो वो फोर्स पर इंच एरिया कितना लगा वो अभी टेंशन है। ओके, बाकी इसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड के स्ट्रेस होते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव, ओके, वो हम देखने वाले हैं डेफिनेटली, लेकिन अभी आप समझ लो यहाँ पर स्ट्रेस का इतना तो सफिशियंट है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वो सब कुछ इसमें यहाँ पर होता है। ओके, सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से आ जाए। पीएफपी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ओके, सो पहले ये नोट डाउन कर लो। सो नाउ सो लेट अस सी पीएफपी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में देखे अभी हम। तो क्वेश्चन नंबर टू, ओके, अ वुमन वेइंग 50 kg फोर्स, तो इससे घबराना नहीं है। जबकि जब भी आपको ऐसा दे 50 kg फोर्स, तो वो वेट को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, मतलब 50 × 9.8 कर दो तो वो न्यूटन में हो जाता है। ये एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है, हियर इट इज ग्रेविटेशनल, सॉरी ऐसा यूनिट हो जाएगा। ओके, तो ये kgf से मत डरो, kgf चैप्टर 1 चैप्टर 2 अभी आने वाला है। तो ये kg फोर्स क्या है, उसका मेजरमेंट का यूनिट है। जब भी आपको ऐसा दे, मतलब आपको सिंपली ये दिया हुआ है उसका मास कितना है, 50 kg है, सो m इंटू जी करेंगे तो वेट हो जाएगा, सो कोई बड़ी बात नहीं है। सो अ वुमन वेइंग 50 kg फोर्स स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन अ लिफ्ट, सो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द मशीन व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। सो लिफ्ट जब भी अपवर्ड जर्नी में ट्रैवल करेगी तब ये कन्या का वेट कितना होगा। ओके, सो ये कन्या का वेट हमें फाइंड करना है। ऑलरेडी ये कितना है, तो 50 kg मास है, तो mg डाउनवर्ड लगेगा, हमें ये भी मालूम है रिएक्शन अपवर्ड होगा, लेकिन क्या पूछा है, मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 m/s। ओके, अपवर्ड जा रही है लेकिन बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो सिंपली हम बोल देंगे r इज इक्वल टू mg। एक्सेलरेशन होता तो सीडो फोर्स लगता, एक्सेलरेशन नहीं होता है तो सीडो फोर्स नहीं लगता है। दूसरी चीज, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो डेफिनेटली उस पर कोई फोर्स लगने वाला ही नहीं है, तो सिंपली हम बोल देते r इज इक्वल टू mg। सो m इंटू जी दैट इज वेट, दैट इज 50 × 9.8। ओके, सो इट्स हाउ मच, इट्स ओके, G10 लेने के लिए बोला है। अच्छी बात है बच्चों, ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया। G10 लेने के लिए बोला हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते, सो इट्स 500 newton। ये आपको वेट मिल गया बच्चों। नाउ और क्या पूछा है, मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो दूसरा केस है बच्चों, डाउनवर्ड अगर ये लिफ्ट मूव हो रही हो, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 m/s², तो क्या होगा। सो बच्चों लेट अस सी कि अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट में अच्छी ग्रिप आए इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अगेन ये कन्या है, वो लिफ्ट में डाउनवर्ड जा रही है एक्सेलरेशन से, तो उस पर सीडो फोर्स कहाँ लगने वाला है बच्चों, आप जानते हो अब, इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से हुआ 1 m/s² से, एक्सेलरेशन की वजह से सीडो फोर्स अपवर्ड लगेगा। सो आर इज आर प्लस नेट अपवर्ड फोर्स कितना है, तो रिएक्शन भी है एम ए भी है, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, आर प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। सो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू इट्स एम जी माइनस एम ए, सो वी कैन राइट एम इंटू जी माइनस। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रह गया है तो आप ये लगा सकते हो, लेकिन 100% श्योर हो तभी। मास दिया हुआ है एक कन्या का 50 है, जी दैट इज 10, एक्सेलरेशन दैट इज 1, सो इट्स 9 × 5 = 45, सो इट्स 450 newton।
वेट बोलो तो यूनिट न्यूटन ही होगा, सो इट्स योर अपेरेंट वेट. यू कैन सी व्हाट इज हर एक्चुअल वेट, 500. लेकिन लिफ्ट अगर ए एक्सेस से मूव हुई, कितना दिखाएगा वेइंग मशीन, 450 न्यूटन. दैट्स इट. सो बच्चों, इसलिए ये कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल ज्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि तभी आपको अच्छी ग्रिप आने वाली है. ओके, नाउ एक और कर देते हैं. ओके, बाकी तो बच्चों सेम ही है तो चलेगा. ओके, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेम ही, या तो अपवर्ड जा रही है या तो डाउनवर्ड जा रही है. ओके, सो कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज अभी तो नहीं है इसमें. नाउ नेक्स्ट हम देखें तो एक और यहाँ पर है एनसीईआरटी का क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 16 एनसीईआरटी का है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली. टू आइडेंटिकल बिलर्स बॉल्स स्ट्राइकिंग अ रिजिड बॉल विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, सो इट्स शोन इन फिगर. तो हमें दिया हुआ ये बॉल है, ये बॉल आ रहे हैं और टकरा कर वापिस जा रहे हैं. रिफ्लेक्टेड बोला मतलब सेम स्पीड से ही रिफ्लेक्ट होने वाले हैं बच्चों. नाउ आइडेंटिकल बॉल बोला है मतलब मास भी उनका सेम रहेगा दोनों बॉल्स का. ओके, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द बॉल ड्यू टू ईच बॉल. तो पहले वाले बॉल को यहां से थ्रो किया और दूसरे केस में ऐसे कुछ दिया हुआ है कि ऐसे थ्रो कर रहे हैं यू स्पीड से, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री. रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री होगा और ये स्पीड यू दी गई. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द बॉल ड्यू टू ईच बॉल एंड रेशियो ऑफ द मैग्नेट ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन द टू बॉल्स बाय द बॉल. ओके, सो हमें इम्पल्स फाइंड करना है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करना है. तो पहला केस देखे हम, केस ए. तो सिंपली अगर हम देख रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम कितनी होगी एम यू. इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो इम्पल्स अगर टाइम नहीं दिया है तो हम सिंपली क्या फाइंड करते हैं, डेल्टा पी. चेंज इन मोमेंटम दैट इज नथिंग बट फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, तो एम वी माइनस एम यू. तो बच्चों इनिशियल स्पीड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, टकरा कर वापिस नेगेटिव में आ रहा है. सो फाइनली फाइनल स्पीड नेगेटिव होगी माइनस इनिशियल पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव रखा. मतलब पहले केस में वी इज इक्वल टू माइनस यू है और यू इज इक्वल टू प्लस यू. नहीं समझे हो तो इनिशियल और फाइनल को वन और टू के साथ दिखा दो. सो फाइनली इट्स माइनस टू एम यू इम्पल्स हुआ. ओके, तो फोर्स ऑन द वॉल, फोर्स ऑन द वॉल दैट इज व्हाट, इट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स. ओके, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, तो चेंज इन मोमेंटम जो भी डायरेक्शन में हो उसमें होता है. चेंज इन मोमेंटम फाइनली नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड हुआ. ओके, तो वॉल के लिए अगर हम देखें तो इसका फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. नहीं समझे, सिंपल ये चेंज इन मोमेंटम इस बिलार्ड्स बॉल की कौन सी साइड हुई, नेगेटिव एक्स एक्सिस में हुई. तो बिलार्ड बॉल पर फोर्स कौन सी साइड लगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में लगा. लेकिन बॉल पर फोर्स उससे ऑपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ की, अगर ये बॉल बिलार्ड बॉल पर ऐसा फोर्स लगा रही है तो बिलार्ड बॉल पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, टुवर्ड्स द बॉल. सो इट्स इम्पल्स. अगर फोर्स फाइंड करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है. सिमिलरली ये यू स्पीड से आ रहा है बच्चों, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, एमयू. एमयू मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी. तो ये फॉरवर्ड है बच्चों, ध्यान से समझो, ये फॉरवर्ड आ रहा है तो इसका वेक्टर कंपोनेंट अगर हम निकाले तो इस डायरेक्शन आएगा, दैट इज एमयू कोस 30 थीटा की बाजू वाला कोस. सिमिलरली हियर इट्स एमयू साइन 30. चलो हो गया. सिमिलरली ये एमयू है तो उसका इस डायरेक्शन में आएगा एमयू कोस 30 और इस डायरेक्शन में एमयू साइन 30. सो बच्चों कुछ नहीं किया मैंने, कंपोनेंट निकाला है अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन. इसमें भी ये टुवर्ड्स द पॉइंट डायरेक्शन थे, टुवर्ड्स द वॉल, इसलिए ऐसा रखा. तो नेट चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. सो फाइनल मोमेंटम कितना, इट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड है. देखो ये फाइनल इसका कंपोनेंट, सो इट्स माइनस एम यू कोस 30 माइनस इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड, सो इट्स एम यू कोस 30. सो इट्स फाइनली माइनस टू एम यू कोस 30 माइनस टू. अब मास और वेलोसिटी का कुछ बोला है या ऐसे ही है वो हमें चेक करना पड़ेगा.
कुछ बोला नहीं है डेटा में, सिर्फ एम और यू के फॉर्म में ही चाहिए, सो इट्स माइनस 2mu cos 30, इट्स आवर आंसर। चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इट्स नथिंग बट इम्पल्स, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, तो बॉल है वो वॉल पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, चेंज इन मोमेंटम हुआ नेगेटिव साइड, मतलब कि बॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब बॉल वॉल पर क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ओके और कुछ है, रेशियो ऑफ मैग्नेट ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन द वॉल ऑन द टू बॉल्स बाय द वॉल, तो पहला बॉल ये है दूसरा बॉल ये है, तो उसकी वजह से ये रेशियो फाइंड करना है, मतलब अभी भी हम देखें तो इसमें वाई डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा वो हम सबसे पहले फाइंड कर ले बच्चों। तो देखो वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कौन सी है, एमयू साइन 30, फाइनल मोमेंटम एमयू साइन 30, दोनों सेम डायरेक्शन। अगर मैं बोल दूं कि दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी, सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो यहां पर भी दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब फाइनल को अगर पॉजिटिव बोल रहा हूं तो इनिशियल को भी मेरे को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, लेकिन चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल इट्स जीरो, सो इंपल्स कितना हुआ, इट्स डेल्टा पी एक्स। अब आपको बोला है कि पहले वाले केस का, ओके पहले वाले केस का आई वन और दूसरे वाले केस का आई टू का रेशियो लेना है, सो आई वन बाय आई टू दैट इज माइनस टू एम यू बाय माइनस टू एम यू कोस 30, ये गयो ये गयो, सो कोस 30 हमारे यहां होता है रूट थ्री बाई टू, सो इट्स टू बाई रूट थ्री, इट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो बच्चों ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ के रिगार्डिंगली क्वेश्चन, जिसमें आपको इंपल्स भी आपका कवर हो गया, कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है, इसके सिर्फ कॉम्पोनेंट्स बनाओ और डायरेक्शन कंसिडर करो, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे बच्चे यहाँ पर डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ओके बाकी कुछ हार्ड चीज नहीं है। सो आज यहाँ तक बच्चों रुकते हैं, आई होप आपको ये एलिवेटर वाले क्वेश्चंस क्लियर हुए हो, ओके और आपको यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस स्पेशली एलिवेटर के सम के लिए करनी है, पीएमपी में काफी सारे सम्स दिए हुए हैं, ओके क्योंकि मैंने बोला था कि ये ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल से आने वाला टॉपिक है ये, तो पहले से प्री जजमेंट मत ले लेना कि ये मेरे को नहीं आने वाला है, न्यूमेरिकल करते जाओ फिर सोचो आया या नहीं आया, 110%, जब भी आप इसके 10 न्यूमेरिकल कर लोगे आपको इसमें ग्रिप आ जाएगी, मास्टरी आ जाएगी, ओके सो कीप प्रैक्टिसिंग एज ऑलवेज, थैंक यू।